हेलो दोस्तों, मेरी कोई भी नई वीडियो मिस ना करने के लिए चैनल सब्सक्राइब करने के साथ साथ घंटी का बटन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिए. थैंक यू एंड एंजॉय द वीडियो. गाइस, दिस इज मी ममता सचदेवा वंस अगेन विद ऑल ऑफ यू. एंड आज मैं आपसे करने वाली हूं एक बहुत ही जरूरी बात, जिसके लिए आपको बहुत ही ध्यान से सुनना पड़ेगा, बहुत ही ध्यान से. और आप वीडियो को आगे नहीं कर सकते क्योंकि हर एक शब्द की मान्यता है और हर एक लाइन का बहुत बड़ा मतलब निकलने वाला है आज. तो बहुत सारे लोग जो मुझे कांटेक्ट कर रहे हैं, मुझसे ये जानना चाहते हैं कि मैं कैबिन क्रू मेंबर कैसे बनूं. इसके ऊपर वीडियोस आएंगे, बहुत सारे वीडियोस आएंगे और मेरा वादा है आएंगे. मुझे याद है, मैं भूली नहीं कि अभी मैंने ट्रेनिंग वीडियोस भी डालनी है आपके लिए कि मैंने ट्रेनिंग्स में कैसे मैनेज किया, या मैं यहां जब कैबिन क्रू बन के आई मैं कैसे सिलेक्ट हुई, क्या प्रोसीजर था उस टाइम पे मेरी एयरलाइन का, मैंने कौन कौन से राउंड्स पार किए. उसके अलावा मेरी एक इंटरव्यू की वीडियो भी अभी पेंडिंग है. लेकिन इन सब वीडियो के पेंडिंग होने के बहुत सारे कारण हैं दोस्तों. नंबर एक, आपको ये समझना पड़ेगा कि करंटली मैं जिस कंपनी में काम करती हूं, बहुत सारी चीजें हैं जो मैं ओपनली डिस्कस नहीं कर सकती हूं अभी. इसका मतलब ये नहीं है कि मैं अपनी कंपनी या अपने कलीग्स के बारे में कुछ नेगेटिव बोलने वाली हूं, लेकिन फिर भी अपनी कंपनी और चीजों को और कई रूल्स एंड रेगुलेशंस को नजर में रखते हुए बहुत सारी चीजें जो हैं वो मैं आप सबके साथ खुलेआम डिस्कस नहीं कर सकती. इस वजह से शब्दों का चयन करने में, कौन सी बात मैंने कितने तरीके से कहनी है, उसमें मुझे थोड़ा सा टाइम लग रहा है. दूसरी बात दोस्तों, आप हमेशा मुझसे ये पूछते हैं कि आपकी वो इंटरव्यू वाली वीडियो क्यों डिले हो रही है. उसका भी एक कारण है. उस इंटरव्यू वाली वीडियो में मैंने एक इंस्टीट्यूट का नाम लिया हुआ है, जो इंस्टीट्यूट का नाम मैं मेंशन नहीं कर सकती क्योंकि ऑलरेडी उनकी वजह से मैं बहुत सारी प्रॉब्लम झेल चुकी हूं. मेरा मकसद बिल्कुल भी किसी को नीचा करना नहीं था, जैसे कि मैं पहले भी अपनी एक वीडियो में कह चुकी हूं. लेकिन होता क्या है कि जब आप एक चैनल चलाते हैं तो कई लोगों की नजरें आपके ऊपर गड़ जाती हैं कि आप कोई गलती करो और लोग उस गलती का कोई फायदा उठाएं. तो वही मेरे साथ हुआ. मेरी वीडियो में किसी ने किसी एक इंस्टीट्यूट का नाम लिया, उस चीज का मुद्दा बना दिया गया. उस चीज की वजह से मुझे पता नहीं कितना कुछ झेलना पड़ा. उस वजह से मैं थोड़ी सी केयरफुल हो गई. अभी मैं कोई भी ऐसी वीडियो रिलीज नहीं करती हूं जिसमें किसी इंस्टीट्यूट का नाम हो, किसी भी इंसान का नाम हो, चाहे अच्छे वे में हो चाहे बुरे वे में हो, क्योंकि कुछ नहीं पता कौन किसके ऊपर कौन सी बात को लेकर क्या बना देगा. तो चलिए अब आज की बात के ऊपर आते हूं कि मैं ये वीडियो क्यों बना रही हूं. आज ये वीडियो मैं ये जवाब देने के लिए बना रही हूं कि जब मैं कैबिन क्रू बनी थी उससे पहले क्या मैं किसी इंस्टीट्यूट का हिस्सा थी. ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है मेरे लिए और मैं चाहती हूं आप बहुत ध्यान से इसका आंसर सुने. जब मैं कैबिन क्रू बन रही थी गाइज, 2003 की मैं बात कर रही हूं. 2005 में मैं ऑफिशियली इस जॉब में थी. 2004 में मैंने इंटरव्यू दी थी और 2003 में, अगर मैं गलत नहीं हूं तो, मैंने 2004 में एक इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया था. अब आप मुझे पूछेंगे कौन सा इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया था, उसका मैं नाम नहीं ले सकती हूं आप सबके साथ, लेकिन आज मैं आपको एक बात सच बताती हूं. गाइस, मैं बहुत छोटे से शहर की लड़की हूं. ना मेरे पास इंटरनेट था उस टाइम पे, ना फोन होते थे, ना स्मार्टफोन होते थे, ना ही कोई असिस्टेंस होती थी, ना ही कोई दोस्त होता था, ना ही कोई घर पे फोन होता था, ना ही कोई ऐसा मेरे घर में या मेरे खानदान में था या मेरे जानने वालों में था जिसको एयर होस्टेस कैबिन क्रू के बारे में कुछ भी पता हो. मैं कैसे अपने घर से निकली हूं, मैंने कैसे अपना करियर बनाया है, वो एक अलग स्टोरी है और बहुत लंबी स्टोरी है जिसको बताने के लिए मुझे बहुत ज्यादा गट्स चाहिए. बहुत ज्यादा गट्स चाहिए मुझे वो सब आप सबके साथ शेयर करने के लिए. लेकिन उस बैकग्राउंड से, उस माहौल से कैसे निकल के मैंने, क्या मेरे माइंड में आया, क्या नहीं आया, लेकिन ये बात सच है कि हां, मैंने इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया. लेकिन उस टाइम के सर्कमस्टेंसेस को देखिए और आज के सर्कमस्टेंसेस को देखिए. उस टाइम पे इंटरनेट इजीली अवेलेबल नहीं था सबके लिए, कंप्यूटर्स इजीली एक्सेसिबल नहीं थे हम सबके लिए, इंफॉर्मेशन इतनी जल्दी कहीं से मिलती नहीं थी. तो लोगों को, कई इंस्टीट्यूट्स ने ये पब्लिसाइज किया कि आप हमें इतनी फीस दो और हम आपको एयर होस्टेस या कैबिन क्रू बनाएंगे. उस टाइम पे क्योंकि कोई और रिसोर्स मेरे पास नहीं था, मेरे पास सिर्फ यही एक रास्ता था, तो मैंने वो रास्ता चुना. मैंने इंस्टीट्यूट को ज्वाइन किया. इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करने के बाद, अगर मैं आपको सच बोलूं, इंस्टीट्यूट ज्वाइन करने के बाद मुझे, मेरी इंग्लिश अच्छी नहीं थी. जी हां, वो इंग्लिश की
प्रैक्टिस करवाते थे, रोजमर्रा करवाते थे, छोटी सी क्लास होती थी, उसके अलावा पर्सनालिटी डेवलपमेंट, सबके क्लास के सामने खड़े होकर प्रैक्टिस करना, वो सब होता था। लेकिन अगर मैं कहूं कि कुछ एयरलाइन के बारे में या जहाजों के बारे में कोई इंस्टीट्यूट ट्रेनिंग देते हैं, तो ऐसा तो कुछ भी नहीं था। हाँ, वो क्या करते हैं, वो अपना काम करते हैं, वो आपको थोड़ा सा पॉलिश कर देते हैं, थोड़ा सा आपको बोलने चालने की प्रैक्टिस करा देते हैं। लेकिन जहां बात मेरी आती है, जब मैंने एडमिशन लिया था, मैं ऑलरेडी अराउंड एक साल मैं किसी एक स्टूडियो के साथ काम कर चुकी थी। मैं ऑलरेडी ही बातचीत करने में बहुत फास्ट थी, मतलब जहां सब लोग चुप हो जाते थे किसी बात को लेकर, मैं हमेशा क्वेश्चन लेके बोलना शुरू कर देती थी। सो आई वॉज वेरी लाइक यू नो टॉकेटिव भी थी, पर्सनैलिटी भी अच्छी थी, बातचीत करने का तरीका मेरा अच्छा था। लेकिन हाँ, इंग्लिश मेरी खराब थी, ये चीज मैं एक्सेप्ट करूंगी। लेकिन जब मेरी इंटरव्यू की बारी आई, तो उस इंस्टीट्यूट ने, मुझे वहां 3 महीने हुए थे अभी आई थिंक, उन्होंने सिर्फ इतना बताया कि एक इंटरव्यू आ रही है, जिस जिसने जाना है ये एड्रेस है, यहां पे जाके आपने इंटरव्यू देना है। दिल्ली में इंटरव्यू था, मैंने खुद अपने कपड़े अपनी मर्जी से बनवाए, अपने तरीके से बनवाए, मुझे उसमें कोई असिस्टेंस किसी की नहीं मिली। क्या मेकअप करना है उसमें कोई असिस्टेंस नहीं मिली। उसके अलावा क्वेश्चन आंसर से एक रफ क्वेश्चन वो आपको बताते हैं कि ऐसे क्वेश्चन होते हैं, लेकिन वो तो आजकल हर एक, मतलब आप किसी भी वेबसाइट के ऊपर से ढूंढ सकते हैं कि क्या क्वेश्चन आंसर्स होते हैं, कैसे इंटरव्यू में जाना है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन जो आजकल इजीली अवेलेबल है, उस टाइम पे नहीं होती थी। तो ये इंस्टीट्यूट्स लोगों को हेल्प करते थे, तो उन्होंने सिर्फ एक बेसिक गाइडलाइंस दे दी कि जिस जिसने इंटरव्यू देनी है वो यहां चले जाओ और इंटरव्यू दे दो। तो मैं भी दिल्ली गई, किस हालातों से गई, अगैन इट्स अ लॉन्ग स्टोरी। तो दिल्ली पहुंच के जाके इंटरव्यू मैंने खुद दिया, कोई इंस्टीट्यूट का बंदा, मैडम, टीचर, जानने वाला कोई मेरे साथ नहीं था। मैं गई, इंटरव्यू मैंने खुद दिया, खुद मैंने सारे राउंड्स क्लियर किए। क्या मुझे पहले ब्रीफ करा गया था कि इंटरव्यूज में क्या होगा, कौन कौन से राउंड होते हैं? बिल्कुल भी नहीं। क्या उस चीज की तैयारी, कोई प्रैक्टिस करवाई गई क्वेश्चंस एक सिर्फ देने के अलावा? बिल्कुल भी नहीं। तो ये सारी बातें बता के मैं आपको गाइस क्या बताने की कोशिश कर रही हूं कि खाली ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स जो उस टाइम पे, मेरे टाइम पे थे, वो इंस्टीट्यूट्स बेसिकली हेल्प करते थे लोगों को थोड़ा पर्सनालिटी डेवलप करने के लिए, या आपको बताने के लिए कि इंटरव्यूज कहाँ हो रहे हैं। आज इंटरनेट के ऊपर हजारों वेबसाइट्स के ऊपर क्वेश्चन आंसर्स के बारे में, इंटरव्यू राउंड्स के बारे में, बहुत सारे और मेरे भाई बहन ब्लॉगर्स हैं जो जानने वाले हैं, या बहुत सारी एयरलाइन के लड़के लड़कियां हैं जो ब्लॉगिंग कर रहे हैं इस चीज के ऊपर कि कैसे ज्वाइन करना है, क्या राउंड्स होते हैं। तो अगर आप अपना 2 लाख रुपया बचा के अपने आप अपनी मेहनत से तैयारी करोगे, तो आप डेफिनेटली कैबिन क्रू बन जाओगे। लेकिन मेहनत लगेगी, आपको थोड़ा स्ट्रीमलाइन होकर सब चीज की तैयारी करनी पड़ेगी। लेकिन अगर आप सिर्फ ये सोचोगे कि मुझे इंस्टीट्यूट में जाना है, मुझे फीस देनी है और मुझे एक प्रॉपर स्ट्रीमलाइन कंपनी चाहिए जो मुझे असिस्टेंस दे, इस वर्ड को जरूर समझिए, असिस्टेंस दे, तो कोई हार्म नहीं है। अगर आप किसी भी इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करना चाहते हैं, उसमें कोई हार्म नहीं है, आप बिल्कुल कीजिए, मैं आपको मना नहीं कर रही हूं। लेकिन मैं सिर्फ ये कहती हूं, अगर कोई चीज जिंदगी में आप खुद कर सकते हैं, तो आप उसको खुद कीजिए। अगर आपको पता है आप नहीं कर सकते, आप में वो काबिलियत नहीं है, आप खुद तैयारी करने के काबिल नहीं है, जो कि मुझे लगता है हम सब कर सकते हैं, तो उस केस में अगर आप कोई भी जो दुनिया का इंस्टीट्यूट बना है, दे गिव यू असिस्टेंस, तो असिस्टेंस देंगे वो आपको जॉब ढूंढने में या इंटरव्यू पे भेजने में, तो डेफिनेटली वो आपसे फीसेस तो लेंगे ही गाइस, राइट? सो आज आई होप आपको ये आंसर मेरा समझ आया हो कि यस, आई वॉज पार्ट ऑफ एन इंस्टीट्यूट फॉर अ वेरी लिटिल टाइम, यस आई वॉज, लेकिन उस टाइम पे क्योंकि कोई और असिस्टेंस नहीं थी, मुझे कोई बताने वाला नहीं था, उस टाइम पे यूट्यूबर्स नहीं होते थे, उस टाइम पे कोई असिस्टेंस ऑनलाइन ढूंढने के लिए इतना आसान इन्फॉर्मेशन नहीं थी, क्योंकि हमें नॉलेज नहीं थी, मैं छोटे शहर की लड़की थी, मुझे नहीं पता था। अगर मैं आज के टाइम की लड़की होती और जैसी मैं थी नेचर की, मतलब बहुत आउट गोइंग, बात करने में, हर चीज यू नो टेबल टॉक करने में आई वॉज वेरी गुड, अगर उस टाइम पे ये सारी असिस्टेंस मुझे मिली होती, तो डेफिनेटली मुझे किसी इंस्टीट्यूट की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन क्योंकि उस टाइम पे कोई असिस्टेंस बिल्कुल भी नहीं थी, तो मुझे भी इंस्टीट्यूट ज्वाइन करने की जरूरत पड़ी। यस, इट इज ट्रू। और जो लोग भी मुझे बार बार ये कहते हैं कि हमने आपका नाम देखा यहां पे वहां पे, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, इट इज ऑल ट्रू, इट इज ऑल ट्रू। मैं ये नहीं कहती हूं कि कोई आपको गलत मेरी फोटो दिखा रहा है, कुछ भी ऐसा नहीं है, इट इज ऑल ट्रू। बट अगेन क्वेश्चन इज कि क्या आपको इंस्टीट्यूट ज्वाइन करने की जरूरत है या नहीं है? तो उसका एक ऑनेस्ट आंसर यही है कि इट इज नॉट मैंडेटरी टू ज्वाइन एनी इंस्टीट्यूट,
लेकिन अगर आप खुद नहीं कर सकते तो बाय ऑल मींस आप अगर ज्वाइन करना चाहते हैं अपनी असिस्टेंस के लिए, क्योंकि आप तैयारी नहीं कर पा रहे अच्छे से, तो जरूर कीजिए अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं. अगर आप अफोर्ड ही नहीं कर सकते तो भी आप ज्वाइन नहीं कर सकते, क्योंकि इंस्टीट्यूट्स भी क्वाइट एक्सपेंसिव हैं, इतने सस्ते नहीं हैं. तो गाइज, आज का ये आई होप वीडियो आपको थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन देगा कि येस, आई वॉज पार्ट ऑफ एन इंस्टीट्यूट फॉर अ वेरी वेरी लिटिल टाइम. येस आई वॉज, मैंने इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया था क्योंकि उस टाइम पे कोई और रिसोर्सेज नहीं थे. आप समझ रहे हैं मेरी बात को. तो दोस्तों, मैं बस आपसे रिक्वेस्ट ये करूंगी कि इस चीज का मतलब प्लीज किसी और तरफ मत लेके जाइए. ना ही मैं किसी को प्रमोट कर रही हूं, ऑन दी अदर हैंड ना ही मैं किसी को बुरा दिखा रही हूं. ना तो मुझे हक है किसी को अच्छा कहने का, ना मुझे हक है किसी को बुरा कहने का. मैं सिर्फ आपको सच्चाई से रूबरू करा रही हूं कि अगर आप अपनी तैयारी खुद करने के काबिल हैं तो खुद कीजिए. अगर आप अपनी तैयारी खुद करने के काबिल नहीं है, अपनी पर्सनालिटी खुद डेवलप नहीं कर सकते, अपने डॉक्यूमेंट्स खुद नहीं बना सकते, इंटरव्यू डेट्स खुद नहीं ढूंढ सकते, या अपना सीवी खुद नहीं बना सकते, तो आपको इन इंस्टीट्यूट्स की जरूरत है. आप ज्वाइन कीजिए, अगर आप फीस दे सकते हैं, गुड इनफ. सो दिस इज माई ओपिनियन अबाउट ऑल दिस इंस्टीट्यूट्स रनिंग ऑल ओवर वेयर एवर इट इज, या नॉट ओनली इंडिया, एनी वेयर एल्स. सो गाइज, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, एंड आई होप आपके जो क्वेश्चन आप मुझे हमेशा पूछ रहे थे वो क्लैरिफाई हो गए होंगे. And this is an honest answer I've given you. And फिर आप कहते हैं कि मैं बहुत ज्यादा आपसे वादे करती हूँ, लेकिन आप अपने आप को मेरी जगह रख के देखिए कि बहुत सारी चीजों के जवाब मुझे देने में कितनी मुश्किल आती है, क्योंकि बहुत सारे पहलू जुड़े होते हैं कई बार बहुत सारी चीजों के साथ, फैमिली मेम्बर्स, रिलेटिव्स. तो बात करते करते जब इंसान पूरी बात बताने की कोशिश करता है तो बहुत सारे नाम बीच में आ जाते हैं, और बाद में उन बातों के बहुत बड़े मतलब निकल आते हैं और प्रॉब्लम्स हो जाती हैं मेरे ऊपर भी. तो आप इस चीज को समझिए, मुझे भी थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है कभी कभी कुछ चीज को आप सबके साथ शेयर करने में. सो प्लीज, ये नहीं है मतलब कि कभी भी वीडियोस नहीं आएंगी, डेफिनेटली आएंगी. हर चीज का एक राइट टाइम होता है. तो थोड़ी सी मे बी करेज मुझे भी जुटानी पड़ेगी ताकि मैं आपको सही शब्दों में बता सकूं कि एक्चुअली में क्या हुआ, कितना हुआ, क्या कारण है, क्या कारण होते हैं कई बार कुछ बातों को देर करने के. सो दोस्तों, बाय बाय, ऑल द वेरी बेस्ट. एंड यस, आई टोल्ड यू समथिंग रियली ऑनेस्ट टुडे, एंड विश यू ऑल द बेस्ट. आई होप यू ऑल गेट द जॉब यू वांट, एंड आई एम ऑलवेज विद यू. बाय बाय.